नमः शिवाय हर हर महादेव श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। भगवान शिव की कथा कह रहे हैं, छह सूत्र बताए और उन छह सूत्र में पहला त्रिपुंड धारण करना, दूसरा जल चढ़ाना, तीसरा भगवान देवालय शिवालय में जाकर भगवान शंकर की आराधना करना, पूजन करना, गले में रुद्राक्ष धारण करना, चौथा भगवान शिव के पंचाक्षर मंत्र का जाप। भगवान शिव के मूल मंत्र का स्मरण। फिर अगला वर्णन करा एक सूत्र में वर्णन करते हुए कहा देवऋषि नारद से भगवान विष्णु ने कि भगवान शंकर की कथा में जाकर बैठना और बैठकर कथा को श्रवण करना, ये भी भगवान शंकर की शरणागति के बराबर है। शिव को प्राप्त करने के बराबर, शिव को प्राप्त करना। और आखिरी का जो सूत्र कहा गया वो सूत्र है कि शिव महापुराण की कथा को सुनने के बाद अपने भीतर अपने अंदर मनन चिंतन। कथा का मनन चिंतन अपने भीतर, कथा को श्रवण कर लेना एक अलग विषय, कथा सुन लेना एक अलग विषय। शिव महापुराण की कथा कहती है कि जाना कथा में, पहुंच जाना कथा में, बैठ जाना कथा में, पहुंच कर विनय कर लेना ये अलग विषय है। पर शिव महापुराण की कथा कहती है कथा में पहुंचने के बाद जितना बन सके उस कथा को अपने भीतर उतारना एक अलग विषय। बोलबम का नारा है, जरा जम के बोलबम का नारा है, उसको अपने भीतर उतार लेना। भगवान शंकर की अविरल भक्ति को अपने भीतर उतार। शिव कथा कर रहे देवऋषि नारद, ये छह सूत्र है और इन छह सूत्र को अगर आप पूरा धारण नहीं कर सकते, शिव महापुराण की कथा कहती है अगर ये छह सूत्र को आप पूर्ण रूप से अपने ऊपर धारण नहीं कर सकते तो शिव महापुराण की कथा कह रही है कि एक सूत्र अपने अंदर जरूर उतारें। इन छह में से एक सूत्र भी अगर हमारे भीतर उतर गया तो हमारे देव अधिदेव महादेव को प्राप्त करने में देरी नहीं लगे। छह में से एक सूत्र भी हमारे भीतर, अब ये आपके ऊपर निर्भर करता है, ये आपके ऊपर निर्भर करेगा कि आप कौन सा सूत्र अपने भीतर उतार। चंदन लगाना है मस्तक पर, त्रिपुंड धारण करना है मस्तक पर, या शिव के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाना है, या गले में रुद्राक्ष धारण करना है, या पंचाक्षर मंत्र, षडाक्षर मंत्र, या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलना है, या भगवान शंकर की कथा को श्रवण करना है, या भगवान शंकर की कथा को श्रवण कर अपने जीवन में उतारना, ये आपके ऊपर निर्भर है, ये आपके ऊपर निर्भर है। छह सूत्र में से एक सूत्र अपने भीतर उतारना।